अंपायर कुठे असतील तर ग्राउंडवर यायचं आहे. व्हिडिओ चालू आहे. सर्व खेळाडूंनी लाईन अप करून घ्यायचं आहे आणि आता राष्ट्रगीताचा कार्यक्रम होत सुरू होईल. सर्व खेळाडूंनी लाईन अप करायचं आहे. राष्ट्रगीताचा कार्यक्रम इथे सुरू होईल. राष्ट्रगीतासाठी सज्ज डीजेच्या स्वरूपात साऊथ लगेचच नाणेफेक करून घ्यायचंय. लगेचच नाणेफेक करायचं सुरू होतोय फायनलचा सामना आणि निश्चितपणे सर्व क्रीडा रसिकांना खूप खूप शुभेच्छा. या स्पर्धेदरम्यान नाणेफेकीचा कौल होतोय आणि नाणेफेकीचा कौल कुणाच्या बाजून निश्चितपणे गिरोबा सोड आणि लवकरात लवकर निर्णय घडवा. जब तक थम्बलिंग हुआ तब तक 2 रन आसानी से पूरे गए और 2 रन की सहायता से रन संख्या बोर्ड के ऊपर 2 रन खुद का और टीम का इस 2 रन के साथ खाता खुलते हुए रामदास. बात कीजिए उत्तम की इस प्रतियोगिता में अति उत्तम गेंदबाजी. क्या फाइनल में एक देखा जाए कि कौन बनेगा इस फाइनल का हीरो, कौन बनेगा एक पर्पल कैप का दावेदार. लाजवाब देखने लायक शॉट. गेंद जाती सीमा रेखा पार का गेंदबाजी के लिए लाजवाब गेंद पड़ने के बाद बाहर निकली और बाकी का काम विकेटकीपर शुभम ने पूरा कर दिया. लाजवाब गेंदबाजी होती हुई गणेश गांवकर की ओर से. कोटे का पहला ओवर टीम की ओर से, दूसरा ओवर लाजवाब गेंदबाजी. आड़े बल्ले से खेला रामदास ने. लाजवाब शॉट. गेंद देखते ही न देखते 4 रनों के लिए. इस 4 रनों के साथ अभी तक अगली गेंद राइट का मोड़ दो विकेट. सम्मान देने का प्रयास लेकिन तक देख रहा जिस प्रकार से पंत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रहती है. पहला गेंद हो या आने वाला अगला भी गेंद हो लेकिन उसका 5वें गेंद पर बल्लेबाजी करना ये उनका महत्वपूर्ण आगाज रहता है. पहली गेंद आड़े बल्ले से खेला. मौका था, बना था. हाफ कन्वर्ट चांस जिसे कहा जाता है लेकिन 1 रन हर खुद ही हासिल. नीलेश गाड़ा विकेट की तलाश में. बढ़िया शॉट हवा में. मौका बना लेकिन ओ लाजवाब कैच ऑफ द टूर्नामेंट. तालियां तो बजनी चाहिए. लाजवाब कैच. इसको संदेश की बात की जाए तो अभी तक इस प्रतियोगिता में एक अच्छे गेंदबाज के गेंदबाज ऑलराउंडर के अच्छे से खेलने वाला हैट्रिक का शुभम यानी बिट्टू ने तो दिनेश गांवकर की ओर से 200 रुपए का इनाम. हैट्रिक का मौका. अभी तक इस प्रतियोगिता में कारनामा किसी ने किया नहीं. क्या कर पाएगा शिवम यानी बिट्टू गिरोबा स्पोर्ट का एक हुनर खिलाड़ी और इस फाइनल के मुकाबले में करो या मरो नहीं तो इस ट्रॉफी के दूसरा इनाम जीतो. यह मुकाबला चलता हुआ इस बार तो लेट्स व्हाइट का इशारा आता हुआ और अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या बोर्ड के ऊपर 20 पर यानी हैट्रिक करते तो 500 रुपए का इनाम. लाजवाब शॉट का गेंद जाते हुए लॉन्गों से लॉन्ग वन पर और तब तक तो अच्छी फील्डिंग मौका लेकिन खराब थ्रो और देखते ही नहीं देखते रन कितने बनेंगे और कुल मिलाकर अंपायर का इशारा आएगा 6 रन मिलेंगे और ये बल्ले से फिर एक बार मिस फील्डिंग हुई और यहाँ मर्तबा मौका बना और 2 गेंदों में 2 रन आउट। लाजवाब वो ही खिलाड़ी शॉट मिला उनका गार्ड, बढ़िया शॉट हवा में गेंद, मौका बना फिर एक बार मरतबा रनआउट का मौका और इस बार और लगातार 3 रन आउट होते हुए ड्रीम 11 वर्सेस गिरोबा स्पोर्ट। बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलता हुआ और साजन घाट गेंदबाज के लिए, बल्लेबाज के लिए शुभम नाइक बिट्टू फिर से फुल क्रॉस गेंद, यहाँ बिट्टू अपना थोड़ा सा झुकते हुए बल्लाबाज, अच्छी गेंदबाज का प्रदर्शन यहाँ पे ड्रीम 11 का गेंदबाज का साजन घाट तरफ से। बहुत यहाँ गेंदबाजी बिट्टू गिरोबा स्कोर को बिट्टू की बल्लेबाज से यह अच्छा क्लीन बोल्ड हुआ साजन की गेंदबाजी से, अच्छी गेंदबाजी का यह प्रदर्शन साजन की तरफ से और उनकी जगह लेने के लिए आनंद देखेंगे, सामना करेंगे साजन की तरफ से। फिर से गेंद वाइट का इशारा, यहाँ अंपायर का डिसीजन वाइट, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 1 ही रन वाइट का पकड़ के 1 ही रन और 5 रन ये केवल। एक धौका बड़ा, ये बड़ा शॉट मारने वाला ये खिलाड़ी बिट्टू के स्वरूप में आउट हुआ, क्लीन बोल्ड हुए संदेश नाम का खिलाड़ी, राइट ओवर द विकेट फिर एक बार मौका बना धीरज पवार, कोई गलती नहीं। एक अच्छा खिलाड़ी तारीफ की जाए ना उतनी कम, धीरज पवार राइट मोड़ दो विकेट, फिर एक बार पहली एंड से गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर नीलेश गार्ड, आड़े बल्ले से खेला, गेंद जाती हुई 1 रन के लिए और 1 रन की सहायता से रनों संख्या कुल मिलाकर टोटल पहुंचा 9 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर अभी भी देखा जाए, मौका बना लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते सुदेश मापसेगा तब तक 1 रन पूरा कर दिया और 1 रन की सहायता से रनों से 1 छक्का 1 चौका मैच में जान लाएगा। नीलेश स्ट्राइक के ऊपर हवा में मौका, कृष्णा हीरो ऑफ द मैच, मौका गया, सुदेश ने भी दोनों हाथों से उसको छोड़ दिया, ऐसा लगा पहला अटेम्प्ट कृष्णा का था, दूसरा अटेम्प्ट सुदेश का। अब मैं कहूंगा गिरोबा स्पोर्ट बनाम ड्रीम 11 मैच नहीं है, अब मैच है ड्रीम 11 बनाम नीलेश गार्ड। आता 8 गेंदों में 20 रनों की जरूरत, आउट का और विकेट का पता ना, तो विकेट गिरती रही। अंपायर के बाएं बगल से चलते हुए गेंदबाजी के लिए ड्रीम 11 के लिए अच्छी गेंदबाजी अभी तक करते हुए सुदेश मापसेकर, लाजवाब लेकिन खराब विकेट कीपिंग, 22 के रूप में 1 रन मिला और 1 रन की सहायता से रन संख्या। इस फाइनल का मुकाबला में हिस्सा तो जरूर बनेगा और सुपर ओवर होगा, बेस्ट टाई हुआ तो राइट मोर्दो का कृष्णा चले, पहली गेंद पर मौका बना, और आखिरी गेंद और औपचारिक गेंद कहूंगा, 10 रन चाहिए नवीन दौड़ते हुए ऑफ साइड के इलाके में, राइट का मोड़ द विकेट कृष्णा खुश, सबका खुश होंगे कि फाइनल का जगत जीता ड्रीम 11 विनर ऑफ सोनुर्ली प्रेमियर लीग 2000 माझा फोटो आतमध्ये अरे पाटकडे जा रे पोटन किती जागा व्याप्त फोटो नाही तो काढ बाबा सनसनीत उभं काढू.